नमस्कार, मैं श्वांग और देख रहे न्यूज फॉर इंडिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को जेपी गंगा पथ का लोकार्पण करते हुए जनता को समर्पित कर दिया। इस मौके पर पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन समेत कई नेता और आला अधिकारी भी मौजूद थे। जेपी गंगा पथ दीघा कोलंबर के पास उचित लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि जेपी गंगा पथ बनने से पीएमसीएच के साथ ही पाटलिपुत्र से लोगों को एम्स जाने में सुविधा होगी, साथ ही गांधी मैदान जाने में भी सुविधा होगी। इसकी देखरेख करने के लिए उन्होंने स्थानीय लोगों से अपील की। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में जेपी गंगा पथ का दोनों तरफ विस्तार किया जाएगा और इससे लोगों को सहूलियत भी मिलेगी। सीएम ने कहा है कि करीब 20 किलोमीटर लंबाई में जेपी गंगा पथ का बजट फिलहाल 3,831 करोड़ रुपए है। जरूरत के अनुसार इसे बढ़ाया भी जा सकता है। इसका निर्माण 2024 की शुरुआत में पूरी होने की संभावना है। इससे बनने में एक एक चीज का आकलन किया गया है। इस पथ का लोकार्पण जेपी की जयंती पर 11 अक्टूबर 2013 को किया गया था, इसलिए जेपी गंगा पथ के नाम पर ही इसका नामकरण हुआ। बता दें 2011 में पटना में मरीन ड्राइव बनाने के प्रस्ताव सरकार के पास आई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2013 में पटना के मरीन ड्राइव का शिलान्यास किया था। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बताया है कि गंगा पथ के पहले चरण के उद्घाटन के बाद अब दीघा से पीएमसीएच की दूरी महज 15 से 20 किलोमीटर रह गई है और दीघा से पीएमसीएच की दूरी तकरीबन 7.5 किलोमीटर है। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज फॉर इंडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।